ये भाई चूली, किनोरी चूली, जो खुमानी होता है ना, खुमानी का मतलब कि जंगली वर्जन। ये देखो कितना छोटा है और इसका ऑयल निकलता है। इसको लोग दोस्तों खाते तो कम है वैसे, लेकिन इसको सुखा के इसका यूज करते हैं एज ए ड्राई फ्रूट। और इसका जो अंदर होता है ना, खाने लायक तो नहीं है, खट्टा है। ये बीज इसको निकाल के, इसको तोड़ के अंदर से निकलता है, उसका ऑयल निकलता है, बादाम की तरह होता है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो बादाम का ऑयल होता है ना, उससे भी ज़्यादा फायदेमंद, खट्टा है लेकिन टेस्ट तो वैसे ही है जैसी कच्ची खुमानी होती है, कच्चा आड़ू होता है। अभी इस समय हूँ दोस्तों मैं किन्नौर के जो बगीचे वाला एरिया है, एप्पल भी है यहाँ, खुमानी भी है, चूली भी है। लोगों के घर नीचे हैं लेकिन ये हाइट वाला इलाका है तो यहाँ पर घर कम है और जो बगीचे है वो ज़्यादा है। ये देखो मेरे पीछे सारे, ऊपर तो बहुत है ही नहीं, घर है ही नहीं, यहाँ से नीचे ये सारे घर, क्योंकि लोगों ने यहाँ बगीचे रखे हैं हाइट पर, क्योंकि बर्फबारी अच्छी होती है ना ऊपर, एप्पल के लिए अच्छा होता है। लेकिन घर है उनके नीचे होते हैं। तो ये देखो ये वाला पका है, ये मतलब कि ये इतना खट्टा नहीं होगा, वैसे जो पूरा पका होता है तो मीठा होता है, लेकिन जो कच्चा तो खट्टा ही होगा ना, गर्म होता है भाई बहुत ही, बहुत गर्म होता है ये, मतलब ये गर्म इलाके में रह रहे ना आपने खा लिया। ये देखो ये मीठा होगा, पूरा मीठा है, तो चूली है, मजे भाई गांव में। देखो कितना, मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं इसको, यहाँ जब पूरा पक जाएगा तो इसको तोड़ तोड़ के सुखाएंगे और ऑयल निकालेंगे इसके बीज से, अभी ऐसे ही बाकी वेस्ट हो जाता है। नीचे देखो, ये देखो, कोई पूछने वाला नहीं है, सारा वेस्ट है। और शहर में जाके मतलब कि कितना, मतलब कि पुराना हो जाता है वो मिलता है खाने को, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। ये देखो नीचे खेत में इसको उठाते हैं वैसे, मतलब कि जो सांप वाले ये सारे उठा लेंगे तो इनको सुखाएंगे फिर। बाकी पेड़ में देखो कितने लगे हैं, बाप। बाकी इससे ऊपर हाइट वाला इलाका है, उधर को जाना है हमको भी, वहाँ तो धुंधी रहती है।